Hello students, welcome to Irina Instant Education. And in this video, I'm going to start Act 2, Scene 8. Okay, before this, I've already completed Act 2, Scene 7. Right, Scene 7 तक मैंने complete कर दिया है और उसके बाद जहाँ पे Scene 7 में क्या था, Scene 7 में जहाँ पे मोरक्को जो है वो गोल्डन कास्केट चूज कर लेता है और उसमें एक स्क्रोल एक पेपर रहता है जिसमें लिखा रहता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड और ऑफन यू हैव हर्ड दैट सेड एंड मेनी मैन हैज गिवन हिज लाइफ टू सी द एक्सचेंज ऑफ माइन पोर्शिया को उसने गोल्डन कास्केट को उसने ये सोचा होगा कि पोर्शिया का पिक्चर इसी में होगा और ये सोच के वो उसको चूज कर लेता है तो उसमें इसी वजह से वहाँ पे लिखा और उसमें लिखा था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती ऊपर से जो देखने में लगता है अच्छा उस हो सकता है वो अंदर से उतना अच्छा ना हो और ये भी लिखा था कि इफ़ यू हैड बीन एज वाइज एज यू आर ब्रेव देन हैविंग एन एक्सपीरियंस जजमेंट इन योर यूथफुल बॉडी देन दिस वुड नॉट हैव बीन द रिजल्ट दैट अपीयर्ड ऑन द स्क्रॉल फॉर यू मतलब जिस तरह से तुम ब्रेव हो जितने तुम ब्रेव हो उतने ही अगर तुम बुद्धिमान होते तो तुम्हारा ये रिजल्ट नहीं होता फिर मोरक्को वहाँ से चले जाते हैं और पोर्शिया ये सोचती है बाद में ये कहती है कि ये अच्छा होगा कि सभी लोग इस तरह से मुझे चूज़ करें मतलब गलत चूज़ करें और मैं इस तरह से सबसे बच जाऊं मैंने शी सेज मे एवरी सूटर लाइक हिम मेक अ सिमिलर चॉइस सारे सूटर्स जो आए वो इसी तरह की चॉइस करें नाउ इन उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ है आपका एक्ट टू सीन एट वेनिस का ही स्ट्रीट है जहाँ पे सेलेरिनो एंड सेलेनियो एंटर करते हैं सेलेरिनो कहता है वाई मैन आई सॉ इस पर्सन इन द सील विद हिम इज लुशेनियो गॉन अलोंग एंड इन दिस शिप आई एम श्योर लॉरेंजो इज नॉट सेलेरिनो जो है वो सेलेनियो से कहता है कि डियर फ्रेंड मैंने बसेनियो को देखा आई सॉ बसेनियो सेलिंग बसेनियो को मैंने सेल करते हुए देखा और उसके साथ ग्रिशेनियो भी गया है ग्रिशेनियो ऑल्सो गॉन विद हिम लेकिन उनके में मैं श्योर हूँ कि लॉरेंजो नहीं था Then Selenio says, Selenio कहता है, the villain Jew without Christ raised the Duke who went with him to search Bassanio's ship. Selenio क्या कहता है? Selenio कह रहा है कि ये जो villain माने यहाँ Jew की बात हो रही Shylock की. तो Shylock जो है वो चिल्ला रहा है और चिल्ला के उसने Duke को भी चिल्ला के complain करके शिकायतें कर के चिल्ला के उसने Duke को भी जगा दिया है. Who went with him to search Bassanio's ship और वो जो ड्यूक हैं वो Bassanio के ship में search करने के लिए गए हैं मतलब Duke he has disturbed ये Shylock has disturbed the Duke with his complaints and Duke has gone with him to search Bassanio's ship Bassanio के ship में ये search करने के लिए कि कहीं उसकी Jessica और Lorenzo तो नहीं भाग गए ये search करने के लिए Bassanio के ship में वो लोग जाते हैं Celerino. He came too late. The ship was under sail, but there the Duke was given to understand that in a gondola was seen together. He came too late. Mane, jab wo log wahan pahunche, to wo bahut late pahunche. Ship under sail ho chuka tha. Ship jo hai wo, jahaz jo hai wo nikal chuka tha. Aur wahan pe lekin Duke was given to understand. Mane, Duke was told. Duke wahan pe Duke ko ye bataya gaya. Mane, Duke ko ye sunne mein aaya. Logon ne ye bataya ki wahan pe ek gondola tha. Gondola mane ek छोटा सा शिप गोंडोला फ्लैट बॉटम वाला बोट टाइप होता है जो वेनिस के कैनाल्स में यूज़ होता है वेनिस के कैनाल्स में इसका यूज़ होता है तो गोंडोला तो वहाँ पे जब ये लोग पहुँचे ड्यूक और Shylock जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनको सुनने को मिला कि वहाँ एक गोंडोला में उन लोगों को साथ देखा गया उन लोगों को मैंने लॉरेंजो और जेसिका को लॉरेंजो एंड इज एमोरस जेसिका एमोरस मैंने बिलावेड लॉरेंजो और उसके बिलावेड जेसिका को साथ में देखा गया ऐसा उनको वहाँ सुनने को मिला बिसाइड्स एंटोनियो सर्टिफाइड द ड्यूक दे वर नॉट इन विद Bassanio इन हिज शिप लेकिन इसके बावजूद भी एंटोनियो इस बात को अश्योर किया सर्टिफाई किया मैंने अश्योर किया इस बात का आश्वासन दिया ड्यूक को कि नहीं दे मैंने यहाँ पे किसकी बात हो रही लॉरेंजो और जेसिका की दे वर नॉट विद Bassanio इन हिज शिप एंटोनियो जो है वो ड्यूक को इस बात को अश्योर करके कहता है कि नहीं लॉरेंजो एंड जेसिका जो है वो Bassanio के साथ उस शिप में नहीं थे देन कम्स Selenio स्पीच Selenio क्या कहता है आई नेवर हर्ड अ पैशन सो कंफ्यूज सो स्ट्रेंज और क्रेजीज एंड सो वेरिएबल एज द डॉग ड्यू डिड इट इन द स्ट्रीट्स अब जो ये जो Shylock है Shylock का जो
शाइलॉक की जो बेटी है जेसिका, वो भाग गई है अपने बिलावेड अपने लवर लोरेंजो के साथ, तो शाइलॉक क्या कर रहा है, वो चिल्ला रहा है और एकदम कंफ्यूज्ड हो गया है, एकदम कंफ्यूज्ड होके वो चिल्ला रहा है गुस्से में। तो उसी बात पे सेलेनियो कह रहा है कि मैंने कभी आई हैव नेवर हर्ड अ पैशन सो कंफ्यूज, मैंने आई हैव नेवर सीन सच अ पर्सन, ऐसे आदमी को इतने विद आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, इतने गुस्से से, आउटरेजियस मैंने गुस्से से, मैंने कभी इतना कंफ्यूज, मैंने इतना कंफ्यूज, इतना कंफ्यूज, मैंने इतना बहका हुआ, इतना अजीब स्ट्रेंज, मैंने अजीब और इतना गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान ऐसा इंसान जो मैंने, ये शाइलॉक के बारे में बात हो रही है, मैंने ऐसे इंसान को मैंने देखा नहीं, इतना ऐसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, जितना कंफ्यूज रहता है, इतना अजीब है, इतना गुस्से में रहता है, एंड सो वेरिएबल, वेरिएबल मैंने एक्सेसिवली फ्रीक्वेंटली वो चेंज होता रहता है, इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, चेंज होता रहता है एज द डॉग ज्यू, जितना कि मैंने कभी इंसान को नहीं देखा, जितना कि ये डॉग ज्यू है। Did utter in the street, utter मैंने बोलना, जो सड़कों में चिल्ला रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, माई डॉटर, माई ड्यू, ओ माई ड्यू किड्स, ओ माई डॉटर, मैंने सड़कों में वो चिल्ला रहा है ये कहकर कि हाय मेरी बेटी, मेरे पैसे, मेरी बेटी, फ्लेड विद अ क्रिश्चियन, फ्लेड मैंने भाग गए, फ्लेड विद अ इलोप्ड विद अ क्रिश्चियन, भाग गए ये क्रिश्चियन के साथ, मेरी बेटी पैसे लेके भाग गई, ओ माई क्रिश्चियन ड्यूकेट्स, मैंने वो क्रिश्चियन के साथ सारे पैसे लेके भाग गए, इसलिए वो ये कह रहा है कि ये क्रिश्चियन ड्यूकेट्स, हाय मेरे क्रिश्चियन ड्यूकेट्स, लेके वो चले गए। जस्टिस द लॉ माई ड्यूकेट्स एंड माई डॉटर एज सील, मैंने जस्टिस, मैंने जस्टिस मांग रहा है। अब वो शाइलॉक जो है यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई मुझे जस्टिस दो, मुझे न्याय दो, मेरे साथ कानून की दुहाई देकर वो कहता है मेरे साथ न्याय करो, मेरी बेटी और मेरे जो पैसे हैं वो सब भाग गए, मेरी बेटी पैसे लेकर भाग गई, मेरे पैसे भी गए, मेरी डॉटर भी गई। अ सील्ड बैग, मैंने अ सील्ड बैग, मैंने सील्ड लगे हुए, सील्ड जो जो मोहर थे वो सील्ड मोहर लगे हुए बैग्स में, सील्ड बैग थे, टू सील्ड बैग्स ऑफ ड्यूकेट्स, मैंने पैसों से भरे दो सील्ड बैग्स थे ऑफ डबल ड्यूकेट्स, उसमें डबल ड्यूकेट्स स्टोलन फ्रॉम मी ऑफ माई डॉटर, डबल ड्यूकेट्स थे माने सील्ड बैग थे, और सील्ड बैग्स जो उसमें दो सील्ड बैग्स थे मतलब डबल ड्यूकेट्स चले गए, दुगनी दुगने पैसे चले गए, और मुझसे मेरी बेटी ने मुझसे स्टोल मैंने छीन ली, चुरा लिया, मेरी बेटी मेरे से पैसे चुरा कर भाग गई, एंड ज्वेल्स, और उसके साथ साथ ज्वेल्स मैंने ज्वेलरी भी थी उसके साथ वो भी लेके भाग गए, टू स्टोन्स, टू रिच एंड प्रेशियस स्टोन्स, और दो स्टोन्स मैंने जो रत्न जिसे बोलते हैं ना बहुमूल्य रत्न जो है प्रेशियस स्टोन्स, वो भी वो लेके भाग गए, स्टोलन बाय माय डॉटर, मेरी डॉटर के द्वारा ये चोरी कर लिए गए, मैंने मेरी डॉटर ये सब चोरी करके भाग गई। जस्टिस फाइंड द गर्ल, न्याय करिए मेरे साथ, मैंने वो न्याय की दुहाई दे रहा है और कह रहा है मेरे साथ को न्याय करिए और उस लड़की को मैंने मेरी बेटी को ढूंढिए, शी हैड द स्टोन्स अपॉन हर एंड द ड्यूकेट्स, मैंने वो अपने साथ जो है वो ड्यूकेट्स अपने साथ पैसे ले गई और वो स्टोन भी ले गई, मैंने शी हैज़ डायमंड्स एज वेल एज ड्यूकेट्स विद हर, डायमंड भी ले गई और ड्यूकेट्स भी, दोनों ही चीज़ें वो ले गई। अब वो पागल हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब सेलेनियो, व्हाई ऑल द बॉयज इन वेनिस फॉलो हिम क्राइंग स्टोन्स हिज डॉटर एंड हिज ड्यूकेट्स, अब यहाँ क्या हुआ, सेलेनियो कह रहा है कि जो वेनिस के जितने भी बॉयज हैं, जितने भी लड़के हैं, वो उसे फॉलो कर रहे हैं, मैंने उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, क्राइंग हिज स्टोन्स हिज डॉटर एंड हिज ड्यूकेट्स, मैंने शाइलॉक जो है वो चिल्ला रहा है, शाइलॉक चिल्ला रहा है कि मेरी बेटी, मेरे पैसे, तो ये जो वेनिस के जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी लड़के हैं, वो लोग चिढ़ाने के लिए दे आर जस्ट टीजिंग हिम, टीज करते हुए वो क्या कर रहे हैं, उसी की बात को दोहराते हुए, हाय मेरे बेटी, हाय मेरे पैसे करके, वो जो वेनिस के बॉयज़ हैं वो भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, उसी की बात को दोहराते हुए, मतलब उनको चिढ़ा रहे हैं शाइलॉक को। Then Selenio, let good Antonio look, he keeps his day or he shall pay for this. Means Selenio ये कह रहा है कि अच्छा होगा Antonio keep his day, माने अपनी जो payment है वो time से चुका दे, और he shall pay for this, नहीं तो उसे इसके लिए pay करना पड़ेगा, अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ेगी, तो अच्छा होगा कि Antonio अपनी जो bond में जो उसने return करने का बोला है वो time से दे दे, वरना उसको भुगतना पड़ेगा। देन सेलेनियो,
Mary well remembered, I reasoned with a Frenchman yesterday who told me in the narrow seas that part the French and English, they miscarried a vessel of a country richly fraught. चले रुके रहे हाँ तुमने याद दिलाया मुझे याद है आई रीजन रीजन मैंने स्पोक मैंने आई स्पोक विद अ फ्रेंच मैन मैंने एक फ्रेंच आदमी से बात की थी कल जिसने मुझे ये बताया हु टोल्ड मी मैंने जिसने मुझे उस फ्रेंच आदमी ने मुझे ये बताया कि इन द नैरो सीज नैरो सीज में समुंदर में दैट पार्ट द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मैंने फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को पार्ट करते हुए मैंने बीच से जो इंग्लिश चैनल जो जाती है वो इंग्लिश चैनल में वहाँ पे मिसकैरी हो गया था मैंने एक शिप जो है वो वेसल मैंने शिप वहाँ पे एक वेसल जो है वो मिसकैरी हो गया था मैंने उलट गया था ऑफ आवर कंट्री वो हमारी देश का शिप था रिचली फ्रॉट मैंने सामान से लदा हुआ मैंने कह रहे हाथ सिलेनो कहता है कि हाँ तुमने अच्छा याद दिलाया कल ही मेरी एक फ्रेंच मैन से एक फ्रेंच आदमी से बात हुई और उसने मुझे बताया कि वहाँ पे इंग्लिश चैनल में जो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो चैनल जाता है इंग्लिश चैनल वहाँ पे हमारी कंट्री का एक वेसल मतलब एक शिप उलट गया है डूब गया है और वो सामान से लदा था रिचली फ्रॉट में सामान से लदा था आई थॉट अपॉन एंटोनियो व्हेन ही टोल्ड मी एंड विश्ड इन साइलेंस दैट इट वर नॉट हिज और मैंने फिर मन ही मन मैंने इन साइलेंस मैंने शांति से मन चुपचाप मैंने जब मैंने ये सुना तो तुरंत मुझे एंटोनियो की याद आई जब मुझे ये बात बताई गई कि एक शिप डूब गया मुझे तुरंत एंटोनियो की बात याद आई और मैंने मन ही मन विश किया मनाया कि काश वो शिप एंटोनियो का ना हो सेलेरिनो यू वर बेस्ट टू टेल एंटोनियो व्हाट यू हियर येट डू सडनली फॉर इट मे ग्रीव हिम सेलेरिनो कह रहा है कि अच्छा होगा तुम्हें ये अच्छा होता कि तुम एंटोनियो को ये बात बता देते जो तुमने सुना व्हाट यू हियर माने जो तुमने सुना अच्छा होता तुम एंटोनियो को बता देते लेकिन फिर वो कहता है नहीं लेकिन ये तुरंत सडनली माने तुरंत मत बताना फॉर माने क्योंकि इट मे ग्रीव हिम लेकिन उसको तुरंत मत बताना क्योंकि हो सकता है इससे वो दुखी हो जाएगा माने जब ये खबर वो सुनेगा कि ऐसा शिप उलट गया है तो डूब गया है तो वो दुखी हो उसे तुरंत मत बताना क्योंकि वो दुखी हो जाएगा देन सेलेनो सेज ये स्पीच इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा सेलेनो सेज अ काइंड जेंटलमैन ट्रेड्स नॉट द अर्थ सो बिसेंग इन एंटोनियो पार्ट मैंने अ काइंडर जेंटलमैन ट्रेड्स नॉट ऑन द अर्थ मैंने इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे किसकी बात हो रही है ये पूछा जा सकता है किसकी बात हो रही है मैंने सेलेनो कह रहा है मैंने इससे ज़्यादा काइंड जेंटलमैन मैंने नहीं देखा मैंने इस पूरी अर्थ में इससे ज़्यादा काइंड जेंटलमैन नहीं है आई सॉ क्यों उसकी वजह बताता मैंने देखा बेसेनियो और एंटोनियो को जुदा होते हुए बेसेनियो जब जा रहा था तो बेसेनियो बहुत दुखी था परेशान था ये सोच के कि मैं तो जा रहा हूँ बेलमंट और एंटोनियो ने जो बॉन्ड साइन किया मेरी वजह से कहीं उसको पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उसे इस बात की टेंशन थी तो सेलेनो कह रहा है मैंने बेसेनियो और एंटोनियो को जुदा होते हुए देखा और बेसेनियो ने एंटोनियो से कहा हिम मने यहाँ पे एंटोनियो की बात हो रही है बेसेनियो टोल्ड हिम ही वुड मेक सम स्पीड बेसेनियो ने एंटोनियो से कहा कि वो अपनी बड़े स्पीड से ऑफ हिज रिटर्न मैंने वो जल्द ही लौट आएगा मैंने जो भी जिस काम के लिए वो जा रहा है वो जल्दी करके वो कह रहा है मैं जल्दी ही यहाँ लौट जाऊँगा ही आंसर डू नॉट सो अब यहाँ पे ही एंटोनियो है एंटोनियो आंसर देता है एंटोनियो कहता नहीं ऐसा मत करना मैंने फिर एंटोनियो इतना जेंटल है इतना अच्छा आदमी इतना दयालु है इसके जैसा दयालु पूरी धरती में नहीं है क्योंकि मैंने देखा बेसेनियो और एंटोनियो को वो लोग जब जुदा हो रहे थे तो बेसेनियो ने उससे कहा कि मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा तो इस बात पे एंटोनियो जवाब देता है कि नहीं डू नॉट सो ऐसा मत करना स्लबर नॉट बिजनेस फॉर माई सेक मैंने अपनी बिजनेस मैंने अपना जिस काम से जा रहे हो उसको बर्बाद मत करना फॉर माई सेक मैंने मेरी खातिर सोच कर मेरी वजह से तुम अपना जो काम है उसको बर्बाद मत करना बेसेनियो बट स्टे द वेरी राइपिंग ऑफ द टाइम राइपिंग मैंने पकना लेकिन यहाँ पे मतलब पूरा होना लेकिन जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक वहाँ रुकना वहाँ स्टे करना मैंने काम अधूरा छोड़ के मत आ जाना मेरे लिए एंड फॉर द ज्यूज बॉन्ड विच ही हैथ ऑफ मी लेट इट नॉट एंटर इन योर माइंड ऑफ लव और फिर कहता है कि एंटोनियो ही कहते हैं कि जहाँ तक ज्यू के मैंने शैलॉक के ये बॉन्ड का सवाल है जो मेरे साथ हुआ है उसको तुम अपने माइंड में एंटर भी करने मत देना तुम्हारे मन में जो प्यार के ख्याल आते हैं तुम प्रेम निवेदन मैंने प्यार के लिए तुम जा रहे हो अपने
प्यार जाहिर करने के लिए बेलमन जा रही हो पोर्शिया के लिए, तो तुम ऐसे सोच में तुम इस बात को एंटर भी करने मत देना, माने टेंशन मत लेना। बी मेरी माने खुश रहना, बी चीयरफुल एंड एम्प्लॉय योर चीफेस्ट थॉट्स टू कोर्टशिप एंड सच फेयर ऑस्टेंस ऑफ लव। और कह रहे हैं एम्प्लॉय माने अपने चीफेस्ट थॉट्स, माने अपने ज़्यादातर थिंकिंग, अपनी सारी सोच जो है तुम कोर्टशिप माने प्यार के लिए, जिस प्यार के लिए पाने के लिए तुम जा रहे हो, उस प्यार में ही अपनी सारी सोच सारा चिंता लगा देना। एंड सच ऑस्टेंस ऑफ लव, और प्यार के ऑस्टेंस ऑफ लव माने प्यार के लिए, प्यार का जो डिस्प्ले करना, माने अपने प्यार शो करने में, अपना प्यार दिखाने में ही सारा दिमाग लगा देना। एज शैल कन्वीनियंटली बिकम यू देयर, और यही तुम्हारे लिए कन्वीनियंट होगा, माने तुम्हारे लिए सूटेबल होगा। दिस विल बी सूटेबल फॉर यू देयर, वहाँ पे तुम्हारा यही काम ज़्यादा सूटेबल है, माने तुम्हें यही ज़्यादा करना चाहिए, न कि मेरे बारे में सोचना चाहिए। एंड इवन देयर हिज आई बीइंग बिग विद टीयर्स, और इवन देयर, और ऐसा बोलते ही एंटोनियो की आँखें जो है वो भर आती हैं, बड़ी बड़ी आँखें जो है वो उसमें से आँखों में बड़े बड़े टीयर्स माने आंसू के बूंद टपकने लगते हैं, माने आंसू से भर जाते हैं उसके आईज। टर्निंग हिज फेस, अब आंसू से भर जाते हैं तो क्या करता है, टर्निंग हिज फेस ही पुट हिज हैंड बिहाइंड हिम, और अपना, क्योंकि वो उसके आंसू बेसैनियो ना देख सके, इसलिए एंटोनियो क्या करता है, जल्दी से अपना फेस टर्न कर लेता है और अपना हाथ उसके ऊपर रख लेता है, जिससे कि बेसैनियो देख ना पाए। एंड विद अफेक्शन वंडरस सेंसिबल ही रंग बेसैनियोस हैंड एंड सो दे पार्टेड, और उसने क्या किया फिर उसके बाद, बड़े प्यार के साथ, बड़ी फुल ऑफ लव माने बड़े प्यार के साथ, बड़े लव के साथ, अफेक्शन के साथ उसने क्या किया, रंग माने दबाना, वैसे निचोड़ना होता है लेकिन यहाँ पे निचोड़ना नहीं है, बस जब किसी को बहुत तेज हैंडशेक करते हैं तो बहुत तेज दबाते हैं हाथ को, तो वही किया उसने। उसने क्या किया, बसैनियो का हाथ तेज़ी से दबाया, माने कस के दबाया और फिर शेक करने के लिए, और फिर वहाँ से चले गए। सेलेनियो क्या कह रहा है, देन सेलेनियो सेज आई थिंक ही ओनली लव्स द वर्ल्ड फॉर हिम, आई प्रे वी लेट अस गो एंड फाइंड हिम आउट एंड क्विकन हिज एम्ब्रेस हेवेनस विद सम डिलाइट ऑन द अदर। देन सेलेनियो ये कह रहा है कि, सेलेनियो कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि आई थिंक ही सीम्स टू लिव ऑन ओनली लिव इन दिस वर्ल्ड ओनली फॉर बसैनियोस सेक, मुझे तो ये लगता है ये इस दुनिया को प्यार इसीलिए करता है बसैनियो की वजह से। ये सेलेनियो की बात हो रही है, ही माने सेलेनियो, ही माने एंटोनियो, माने मुझे तो, सेलेनियो कह रहा है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एंटोनियो जो है वो दुनिया को प्यार ही इसलिए करता है बसैनियो की खातिर, माने पूरी दुनिया बसैनियो ही उसकी पूरी दुनिया है और उसी को वो प्यार करता है। फिर सेलेनियो ये भी कहता है कि चलो, हमें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चलो हम लोग चलें और उसको ढूंढें, किसको, एंटोनियो को, चलो हम लोग एंटोनियो को ढूंढें एंड क्विकन हिज एम्ब्रेस हेवीनेस विद सम डिलाइट ऑन अदर, और जल्दी जल्दी कुछ उसकी जो हैवीनेस है, उसके मन का जो भारीपन है, जो उदासीपन है, उसको जल्दी से हम लोग खुशी से भर दें, माने कुछ ऐसा अम्यूजमेंट, कुछ ऐसा फनी काम करें जिससे हम उसको उसके दिल जो भारी है उसको हम लोग हल्का कर दें, मजाक मस्ती करके उसके दिल को हल्का कर दें। सेलेनोसिस जू वी सो, माने हाँ लेट अस डू सो, हाँ चलो हम लोग ऐसा ही करें। उसके बाद दे गो आउट, एग्जिएंट माने दे गो आउट। यहाँ पे हो गया आपका एक्ट टू का सीन एट खत्म, ठीक है। इससे पहले मैंने सेवन कंप्लीट कर लिया था, अब एट भी आपका कंप्लीट हो गया, अब आपका सीन नाइन रह गया, राइट। एक्ट टू सीन नाइन हो जाएगा तो आपका एक एक्ट टू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो एज आई हैव कंप्लीटेड दिस सीन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, और जो इम्पोर्टेंट स्पीच है वो भी मैंने बता दिया, सेलेनियो की स्पीच है काइंड जेंटलमैन वाला, राइट। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और इसको जो इम्पोर्टेंट स्पीच दिए उसको ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है। एग्जाम में आ सकते हैं, इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, ही का मतलब का क्या हुआ, ये चीज़ें जैसे मैंने बीच बीच में बता दिया, या ही हु इज़ ही हियर इन दिस लाइन्स, ऐसे आ सकता है, तो मैं इसीलिए ही कौन है बता दिया मैंने, ही यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ही पुट इज हैंड बिहाइंड हिम, तो यहाँ पे ही एंटोनियो है, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से बार बार रिपीटेडली इसको वीडियो को दे अच्छे से देखिए और इसको अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, ठीक है, ओके। देन आई एम एंडिंग माई वीडियो हियर, यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, और टिल देन बाय बाय।
And thank you. We'll continue in the next video with Act 2, Scene 9. Okay? Thank you. Take care.